हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण तिवारी, वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो गाइस। आज का वीडियो किसी चैप्टर या किसी एजुकेशनल टॉपिक का, ये कह सकते हैं किसी कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। कंटेंट इन द सेंस आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड भले ना हो, लेकिन आपकी एजुकेशन से, आपकी आगे की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अरुण तिवारी और आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डिस्कस करेंगे आज हम 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की जो कुछ एग्जाम्स बाकी रह गई हैं सीबीएसई बोर्ड की। हालांकि 10th स्टैंडर्ड को जो प्रमोशन दे दिया गया, इंटरनल प्रमोशन जो एग्जाम्स बाकी थी, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के लिए, जिनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी नहीं होगा बट हाँ, स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारी है, उनकी तो सारी ही बाकी है। सो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पिछले 2-3 दिनों से मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना इस पे, बहुत सारे पेरेंट्स भी टेंशन में हैं, बच्चे भी टेंशन में हैं, एग्जाम होगी कि नहीं होगी, कैसा होगा पेपर, क्या सिलेबस कम होगा या सिलेबस में कुछ चेंजेस आएंगे, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जहां पर मैं इन्फॉर्म करूँ, एटलीस्ट अपनी तरफ से जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको बता पाऊँ। सो अगेन, अगर आप चैनल पर नए हैं बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी पुट एनी वीडियो ऑन YouTube, ओके? सो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट, एज यू कैन सी द थंबनेल, और यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर मैं डिस्कस करूंगा। वेल, पर्सनली आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बोर्ड के इस डिसीजन से मैं काफी खुश नहीं हूं। उसका रीजन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप मुझसे अग्री ना करते हो, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप 5,000, 10,000, 15,000 केसेस पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो आप 3 लाख, 3.5 लाख केसेस पे कैसे सोच सकते हैं कि कंडक्ट करवा सकते हैं। पहली चीज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि जब मार्च में एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, ठीक है, हमें कहा गया कि अगर आज 21 दिन नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। आई डू अग्री, हो सकता है उस टाइम हम सब डरे थे, आज सिचुएशन हम थोड़ा अपने आप को उस हिसाब से कॉपरेट कर रहे हैं, अपने आप को उस तरीके से ढाल रहे हैं कि कैसे हम इस महामारी के साथ जिए। बट एक फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी सोचने जैसी बात है कि जो चीज 5,000 केसेस पे पॉसिबल नहीं थी, आज वो 3.5-4 लाख केसेस पे कैसे पॉसिबल है। बच्चे जो सबसे, जिनके लिए कहा जा रहा है कि चिल्ड्रेन एंड द सीनियर सिटीजन आर द मैक्सिमम विक्टिम ऑफ और हैविंग द चांसेस, मैक्सिमम चांसेस है इनके ग्रसित होने का कोरोना से, और आप उन बच्चों को स्कूल्स में एग्जाम देने के लिए बुला रहे हैं, कहां तक एश्योरिटी आप दे पाएंगे कि अगर किसी बच्चों को कुछ भी हो गया तो उस पेरेंट्स को जवाब देने के लिए क्या सीबीएसई आगे आएगा। बहुत सारे हमने देखा स्टेट बोर्ड्स ने ये डिसीजन लिया कि हम एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे, और मास प्रमोशन इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से हम प्रमोट करेंगे बच्चों को, हो सकता है वो डिसीजन उनका हो, उस जो उन्हें सही लगा उस हिसाब से किया, सीबीएसई का भी डिसीजन अपने हिसाब से उन्हें सही लगा, जिस हिसाब से उन्होंने पहले 30th मार्च तक के बाद पोस्टपोन किया, उसके बाद उन्होंने कहा जून एंड में लेंगे, फिर कहा गया कि जुलाई में ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डेट शीट जारी की गई कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एग्जाम ली जाएगी, सॉरी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। बट पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से सिचुएशन हुई है और जो देश में अभी हो रहा है, कहीं पर भी एग्जाम कंडक्ट होने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सीबीएसई के पास सिर्फ यही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने हैं, दे हैव जेईई नीट और सीटेट भी लेनी है उन्हें। सो वो उसका भी ध्यान रखना है कि उसे कैसे कंडक्ट करवाएंगे। सो अगर हम आज इस जो वीडियो की बात करूं तो सस्पेंस ऑफ कंडक्शन इस पे बना हुआ है कि इसके कंडक्शन पे सस्पेंस आज भी बना हुआ है। बहुत सारे पेरेंट एसोसिएशन खड़े हो चुके हैं इस समय जो ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेली 12,000 केसेस आ रहे हैं देश में। आप, मैं फिर से वही क्वेश्चन दोहराऊंगा मेरे थॉट्स कि अगर डेली 500 केसेस जब आ रहे थे तब एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकती थी, तो आज 12,000 केसेस में कैसे हो सकती है। स्पेशली जो हमारे सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, जो 3 मेगा सिटीज है, मैक्सिमम अफेक्टेड है, मोर देन 50,000 केसेस तीनों ही सिटी में हो चुका है, ठीक है, चेन्नई ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका है, जिस स्पीड से बढ़ रहा है ज्यादा दिन लगेंगे नहीं, लेकिन अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सिर्फ मुझे लगता है कि अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स ने अपने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए हैं, मैक्सिमम। सीबीएसई की अभी एग्जाम कंडक्शन का कोई ठिकाना नहीं है, तो रिजल्ट की तो बहुत दूर की बात है, तो आगे के एडमिशंस का क्या। 12th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे डिग्री जो है अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका क्या, वो कहां जाए, ठीक है।
ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप जुलाई में एग्जाम लेंगे, जुलाई एंड या सितंबर के फर्स्ट वीक में अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो तब तक तो यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन चालू रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर वो एडमिशन ले भी लेते हैं तो फिर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो एक फैक्ट जो अगर हम हकीकत में देखें, हवा में जो है, इट्स नॉट गुड टू मेक अ कैस्टल ऑफ कार्ड, कि मतलब कैसल ऑफ कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं, पत्तों के महल जना। जैसा रियलिटी में बात करें अगर, तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसके कंडक्ट होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सीबीएसई ने डेट शीट जो है डिक्लेयर कर दी है, बट आज ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोर्ड को ये एडवाइस दिया है कि आप जो बाकी की सीबीएसई की एग्जाम्स हैं, उन्हें मास प्रमोशन दे दिया जाए। इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से आप बच्चों को मार्क्स दीजिए। इट इज ये एडवाइस है, हालांकि मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ये एडवाइस दी है कि आप जो बाकी की एग्जाम बची हैं, उनका आप इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से बच्चों को प्रमोट करिए। ठीक है, सो ये एक तो बात हुई कि सस्पेंशन बना हुआ है। दूसरा, जो मैंने बात की सुप्रीम कोर्ट का, जो आज रिजल्ट मीन्स गाइडलाइन आई, जहां पर उन्होंने गाइडलाइन तो नहीं, एक एडवाइस के तौर पर उन्होंने सीबीएसई को, जो एचआरडी मिनिस्ट्री को उन्होंने एक सजेशन भेजा, कि क्योंकि मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स ने भी, ये तेलंगाना बोर्ड इज वन ऑफ द बोर्ड जहां पर ये डिसाइड किया गया कि बाकी की एग्जाम्स नहीं होंगी और इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से बच्चों को मार्क्स दिया जाएगा। वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेस में एग्जाम को कंडक्ट करवा पाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और डिफिकल्ट तो सेकेंडरी मैटर है, फर्स्ट मैटर, वी कैन नॉट प्ले विद द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की लाइफ से हम नहीं कह सकते, दे आर एट द मैक्सिमम डेंजर, सबसे ज्यादा हाई रिस्क है वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, और अगर वहां स्प्रेड होता है तो फिर फॉर दैट पेरेंट इट इज रियली पैथेटिक सिचुएशन हो जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं जो नेक्स्ट ईयर का है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है कि अगर अभी तक हम पिछले एकेडमिक ईयर से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर कैसे स्टार्ट करें। स्कूल के स्टार्ट होने के कोई आसार नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, बट हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट, हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है जूम ऐप और जो दूसरे गूगल मीट और जो माइक्रोसॉफ्ट के टीम ऐप है, बट इनसे हम फ्यूचर नहीं देख सकते कि इस पे हम पढ़ाएंगे। एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी भले भी कितना ही आगे क्यों ना हो जाए, वो टीचर की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। यूएस में, यूके में या यूरोपियन कंट्री में हमने देखा कि वहां कहते हैं कि बहुत एडवांस एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, टीचर की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही टीचर बन गया है। आई डू अग्री, बट ये सारे क्या है, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। टीचर जो है वो लिविंग रिसोर्स है, उसकी कमी को पूरा कर पाना नामुमकिन है। ठीक है, आप ये सोचिए कि इन उनके साथ अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस ये सिर्फ कॉम्पनसेट कर सकते हैं, दे कैन नॉट रिप्लेस नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मैंने बात की, जो हम देख रहे थे सेकेंड पॉइंट में, कि हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, सुप्रीम कोर्ट, वो भी ऐसा मानती है कि अगर हम इसके चक्कर में रुके रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आज 3.5-4 लाख केसेस हैं, कल 10 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, क्योंकि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को कब तक बचाएंगे दूसरों के कॉन्टेक्ट में आने से, एक लिमिट होगी, क्योंकि आपको खुद भी बहुत बार पता नहीं चलेगा कि हम कॉन्टेक्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं, घरों में आप कितनी देर तक बंद रहेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। सो बच्चों के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस पे मुझे लगता है कि फंसे पड़े हुए हैं। अर्निंग पर्सन के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम एक तरीके का अप्लाई कर रहे हैं, बट बच्चों के लिए क्या हुआ, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। और जिन बच्चों की एग्जाम हुई है वो तो ऐसे फंसे हैं कि मतलब आगे पीछे, और मतलब आगे कुआं पीछे खाए तालाब जिसको बोल सकते हैं, कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं कि चलो हमारी एग्जाम हो गई अब हम फ्रीली रह सकते हैं, ना ये भी सोच सकते हैं कि तैयारी करें कि एग्जाम, अब सोच रहे हैं कि तैयारी करें एग्जाम हुई नहीं तो, फिर नहीं तैयारी करें क्या पता एग्जाम हो गई तो। तो इन सब सिचुएशन में सीबीएसई ने पिछले 1.5 से 2 महीने से बच्चों को इस कंफ्यूजन में डाल के रखा हुआ है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब कल को अगर डिसीजन आता है कि एग्जाम नहीं होगी, आप मानिए जरा उन बच्चों के लिए, 12th स्टैंडर्ड के स्पेशली जिनकी बात कर रहा हूं, जिनकी एग्जाम्स नहीं हुई है पिछले 2 से 2.5 महीनों से, वो लॉकडाउन में फंसे पड़े हुए यही कर रहे हैं, और पहले वो जनवरी फरवरी में ये कर रहे थे, तो आप समझिए जनवरी से लेके जून तक वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। एक लिमिट होती है इंसानी दिमाग की भी, पढ़ने की भी। ठीक है, प्रैक्टिकली आप बात कीजिए, हवा में जो फिर से मैंने कहा महल बनाने का कोई मतलब नहीं है कि ठीक है पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। बच्चों के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचेंगे तो मुझे
कहीं पर भी नहीं लगता कि ये सही है कि हम 5 जनवरी से बच्चों को लटका के रखे हुए हैं इस तरीके से कि भैया एग्जाम होगी, टेंशन ना लियो, तुम टेंशन मत लो, एग्जाम हो जाएगी, कैसे भी करके तुमको एग्जाम जरूर दिलवाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के अपने ऑफिसेस ओपन करने के लिए गवर्नमेंट 33% कुछ गवर्नमेंट ने 50% केसेस पे ऑन किए हैं, वो अपने जो है संसद नहीं चालू करवा सकते, अपना पार्लियामेंट सेशन नहीं ऑन करेंगे, लेकिन बच्चों की एग्जाम जरूर लेंगे क्योंकि पार्लियामेंट सेशन तो इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। ठीक है, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत हो, बट ये मेरा सोचना है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बच्चों को इतने रिस्क पे डाल रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपना पार्लियामेंट सेशन ऑन करिए, क्यों नहीं आप अपने जो रेगुलर प्रोसेस है सारे मंत्रियों को बैठा के रखा हुआ उन्हें भी करिए, काम पे चले वो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलो कुछ केसेस में 100% एम्प्लॉयज बुलाने शुरू किए, बट बहुत जगह पर अभी भी बंद है। फिर अगर आप 1-9 के केसेस में ऐसा सोचते थे, आप 10th और 12th, 10th की तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम एग्जाम हो चुकी थी, सिर्फ कुछ पेपर्स बाकी थे जिनके लिए प्रमोशन दे दिया गया है। मेन 12th के बच्चे फंसे पड़े हुए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। पेरेंट्स एसोसिएशन भी इसके अब अगेंस्ट में आ चुका है। सबका एक ही कहना है और एक ही बात निकल के आ रही है कि अगर आप 5000 केसेस में ये कहते हो कि 21 दिन नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे, तो 3.5 लाख केसेस में अब आप कैसे कह सकते हो कि वी हैव टू एडजस्ट। मतलब आप जरा प्रैक्टिकली सोचने की अपने माइंड को थोड़ा दौड़ाइए और आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि जहां पर देश में 5000 से 10000 केसेस में हमें ये कहा गया कि इफ वी विल नॉट बी एट होम वी विल बी 20 ईयर बैक, हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, और आज हमसे ये कहा जा रहा है 4 लाख केसेस के बाद कि वी हैव टू एडजस्ट, हमें कोरोना के साथ जीना है और ये हमें पीछे नहीं कर सकता। तो ये चीज तो 5000 केस में भी कहा जा सकता था, बट हो सकता है उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, तो लोग शायद ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड होता, कम्युनिटी में ज्यादा फैलता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉकडाउन किया 3-4 फेजेस में और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि देखिए भैया ये तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे ऐसे आपको जीना है, ये गवर्नमेंट की थिंकिंग होगी। मैं कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, इसको आप कहीं भी रॉन्ग तरीके से मत ले जाइए, मेरा सीधा मोटिव यही है, बच्चों को कहां पर लॉस हो रहा है आप जरा उस बच्चे के माइंडसेट को देख समझने की कोशिश कीजिए जो बच्चा फंसा पड़ा हुआ है। ये मतलब नदी पार कर रहा था, बीच में लटक गया है और आगे का पुल टूट गया, अब कहा जा रहा है कि भैया रुको रस्सी ला रहे हैं तुम्हारे लिए, फिर खींच के तुमको निकालेंगे, अब वो बच्चा वहीं पर ऐसे खड़ा हुआ है, पीछे जा नहीं सकता क्योंकि उसको आगे जाना है, पार करना, पीछे चला जाएगा तो फिर उसको रोकना पड़ेगा जब तक पुल बनेगा 1 साल। ठीक है, आगे वो पूरा टूटा पड़ा हुआ है, तो ना तो तुम वहां से रस्सी भेज रहे हो, ठीक है, और ना तो तुम पीछे जाने के लिए बोल रहे हो कि पीछे चले जाओ, तो एटलीस्ट इतना तो कर दो कि काम करो कोई हेलीपैड हेलीकॉप्टर मंगा दो, उसको वहीं से उठा लो, जो कि होगा आपका इंटरनल प्रमोशन, कर दो जैसा सबने किया वैसा आप भी कर दो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से। ये मेरी सोच है, मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरी सोच है। ठीक है, पेरेंट एसोसिएशन इसके अगेंस्ट में आ चुका है, स्पेशली दिल्ली में जहां पर सिचुएशन इतनी वर्स होती जा रही है। ठीक है, रेलवे कोचेस को अब आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट करने की अगर जरूरत पड़ रही है जिस सिटी में, आप सोचिए उस सिटी में एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाई जा सकती है, और दिल्ली वही सिटी है जहां पर अभी सीबीएसई की कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ ड्यू टू द दिल्ली राइट्स, जो सीएए का प्रदर्शन चल रहा था उसकी वजह से कोई एग्जाम वहां नहीं हुई है, और आज दिल्ली सबसे ज्यादा रिस्क पे है जहां पर स्टेशन पे 500 से ज्यादा रेलवे के कोचेज एज आइसोलेशन वार्ड खड़े किए जा चुके हैं, और वहां पर आप ये उम्मीद करते हो कि बच्चे एग्जाम देने के लिए आएंगे। आई के नॉट एक्सेप्ट, आई टोटली कंडेम दिस वर्ड, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। सीबीएसई हैव टू थिंक ऑन इट, उसको इस पे सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। पेरेंट एसोसिएशन इस पे बहुत प्रोटेस्ट कर रहा है, पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है बहुत सारे स्टेट्स में पेरेंट्स जो है वो बाहर निकल के आए हैं इसके प्रोटेस्ट में, और वो मांग कर रहे हैं कि बच्चों को मास प्रमोशन या इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से प्रमोट किया जाए। फिर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ 12th के हिसाब से देख रहे हैं, जरा सोचिए उन बच्चों के हिसाब से कि जो कहीं कोटा, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, कोई कहीं जाके फंसा पड़ा हुआ, सालों से इतने पैसे खर्च करके, पैसे तो सोचो दिन रात मेहनत करके जेईई और नीट की तैयारी कर रहे थे, व्हाट अबाउट दोज किड्स। जेईई और नीट की एग्जाम भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि सीबीएसई को वो भी कंडक्ट करवानी है, और सीटेट का तो कोई ठिकाना ही नहीं समझ में आ रहा है कि सीटेट होगा कि नहीं होगा। आई थिंक इट वाज शेड्यूल्ड टू बी 5th ऑफ जुलाई को होने वाली थी ओरिजिनली, बट अब ऐसे इसके कोई होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप समझिए सीबीएसई को कितने सारे काम करने हैं,
उन्हें 12th और 12th में इतना आसान नहीं है. गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन द परमिशन कि बच्चे अगर कोई माइग्रेट करके दूसरे सिटी और स्टेट में जा चुके हैं तो आप वहां की स्कूलों से अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं. आप सोचिए स्कूल्स के ऊपर कितना बड़ा बर्डन आया है. बर्डन इन द सेंस क्योंकि ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं है कि लाइक बोल दिया मुंह से और हो गया. ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम प्रिपेयर करना पड़ेगा और उस सिस्टम में आने के लिए आप ऐसे बोलोगे और अचानक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट प्रैक्टिकली दैट दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल एट एनी लेवल. ओके, सो आप सीबीएसई की 12th की एग्जाम कंडक्ट करवाइए. फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जेईई और नीट की एग्जाम का भी यही हाल हो रहा है और सीटेट उसमें ऊपर से आया पड़ा हुआ है. तो मतलब एक तो ऑलरेडी डूब रहे थे, ऊपर से दो चार और बढ़ गए. तो सीबीएसई के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सीबीएसई अपने मन से चाहता है ऐसा कुछ करवाना या वो चाहते हैं कि बच्चे परेशान हो. वो भी चाहते हैं बच्चे परेशान ना हो, बट प्रॉब्लम उनके लिए भी बहुत बड़ी है. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस वन कि इट इज नॉट इजी फॉर सीबीएसई क्योंकि उनको पूरे कंट्री में ये कंडक्ट करवाना है. स्टेट बोर्ड हो तो चलो एक स्टेट तक लिमिटेड है, दे हैव टू कंडक्ट दिस थ्रू आउट द सिटी. नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उनके लिए ये टाइम जो होगा. लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि कुछ इसमें सॉल्यूशन निकल के आए. अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उनको एडवाइस कर सकता है तो आप समझ सकते हैं उससे बड़ी तो कोई जो है लॉ मेकिंग बॉडी है नहीं हमारी कंट्री में. सबसे बड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय, अगर वो एडवाइस करता है सीबीएसई को कि आप इस बारे में सोचिए, बच्चों को मास प्रमोशन करने का भी एक ऑप्शन आप सोचिए, उनको इंटरनली जो एग्जाम्स हुई हैं इंटरनल एग्जाम्स उसके हिसाब से भी आप प्रमोट करने का विचार करिए, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कितना सीरियस है इनको लेके. ठीक है, सो मुझे इस वीडियो को बनाने का एक्चुअली मोटिव यही था. मैं अपने कुछ थॉट्स आपको बताना चाहता था, पहली चीज. दूसरी चीज, आप ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि वो भी फंसे पड़े हुए हैं, होगा कि नहीं होगा. तीसरा, जो कुछ गाइडलाइंस आई है न्यूज चैनल्स में हमने सुना है, हो सकता है बहुत सारे पेरेंट बच्चों को नहीं पता हो, तो मैंने सोचा वो उन्हें बता दें. पेरेंट एसोसिएशन का प्रोटेस्ट जारी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एडवाइस किया है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी सीबीएसई को ये एडवाइस की है क्योंकि सीबीएसई तो एक गवर्निंग बॉडी जो कह सकते हो कि एजुकेशनल बॉडी है. जो ये जो दिशा निर्देश आए हैं ऑर्डर्स के वो करेंगे, लेकिन कंडक्ट करने के लिए उस स्टेट की भी हालत तो देखनी पड़ेगी जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर स्कूल है, और उस स्टेट के अंदर भी उस सिटी और उस एरिया को भी देखना पड़ेगा जहां एक बच्चा आता है. अब आप उम्मीद करिए, अब ये मतलब एक आप एज्यूम करिए कि बच्चा जो एक कंटेनमेंट जोन से आता है जहां पर बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और वो लॉकडाउन में है, कैसे उसके लिए पॉसिबल है आ पाना, एग्जाम देने आ पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है. सो वो भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देश में फंसे पड़े हुए, तो क्या उनके लिए फिर से एग्जाम होगी? तो क्या सीबीएसई साल भर एग्जाम ही कराती रहेगी? मतलब पहले जो बच्चों की एग्जाम हो गई विदाउट कह सकते हैं लॉकडाउन के पहले वो अलग, अभी लॉकडाउन में ये हो रहा है ये अलग, जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में है उनके लिए अलग, और वो कंटेनमेंट जोन कब हट के नॉर्मल में आएगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है. तो क्या सितंबर अक्टूबर, आज 4 हो रहे हैं, जून एंड तक 10 होंगे, जुलाई जाते जाते ये 50 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे, 25 लाख, आई डोंट नो स्टैटिस्टिकल डेटा, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट एक फैक्ट अगर हम देखें तो ये चीजें हो रही है. तो क्या उन बच्चों के लिए फिर से एग्जाम होगी? और उस टाइम पे भी अगर कोई बच्चे कंटेनमेंट जोन में रहे तो क्या बच्चे वो पूरे साल भर जनवरी से लेकर दिसंबर तक एग्जाम ही देते रहेंगे? फिर आगे का क्या? तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि ये पूरा साल उनका वेस्ट जाने वाला है, दे हैव टू बियर दिस वन? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सॉल्यूशन सारे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आने हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच सकते हैं. जो गाइडलाइंस आ रही है अलग अलग स्टेट बोर्ड से, जो एडवाइसेस भेजी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने बहुत सारी स्टेट्स की जो ऑर्डर किया या जो अदर स्टेट्स ने डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे कहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है, कहां पे नहीं करवाई जा सकती है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और जैसा मैंने फिर से कहा कि हम सिर्फ 12th की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जेईई और नीट की भी एग्जाम है, सीटेट ऊपर से है, तो इतनी सारी एग्जाम्स को और कंडक्ट करवाना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सीबीएसई के लिए. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से इन दिस वीडियो. मेरा यही कहना था आप सबको इस वीडियो में. उम्मीद करता हूं आप लोग जैसे भी होंगे, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, आप अपने आप को मेंटली फिट रखिए, एक्सरसाइज योगा जो सब आप करते रहिए अपने हिसाब से. बट आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक बोलना बहुत आसान होता है बट जिस पर भी थी वो जानता है. आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इट्स नॉट ईजी, मतलब फंसे पड़े हो, या तो हो जाए या ना हो, क्लियर हो कि हाँ भाई होगा या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना पड़ा हुआ है. तो आप ऐसे टाइम में सिर्फ आप सेल्फ मोटिवेशन ही आपके पास एक रास्ता है, क्योंकि बोलना सबके लिए आसान है, इट्स नॉट इजी टू डील विथ, जो डील करता है उसे ही पता चलता है. सो
स्पेशली जो दूसरे एग्जाम्स वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक हो जाए तो अच्छा है। आप अपने आप को देखिए, बचाइए। वीडियो में अगर आपके कुछ सजेशन है, मैं चाहूंगा आप अपने क्वेश्चंस भी वीडियो में डालिए। आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो को उस पर भी डिस्कस करूंगा मैं, एक वीडियो उस पर अगर बनाऊंगा, अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स आए अच्छे, या मतलब जैसे भी रिस्पॉन्स आए उस पर डिस्कशन हम जरूर करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, आप बहुत जल्दी बाकी वीडियोस तो हमारी न्यू सेशन की स्टार्ट हो चुकी है, लाइव यूट्यूब लाइव सेशंस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले चैनल पे, सो आप उसके लिए भी फिर से कह रहा हूँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब सब घर से ही पढ़ना है हमें, तो अगर घर से पढ़ना है तो हमने स्टार्ट किया है कि सोचा क्यों ना हम घर पे ही स्कूल बना दे और बच्चों को घर से ही क्यों ना पढ़ाएं। सो बहुत जल्दी उसका भी जो है नोटिफिकेशन और मैसेजेस आपको मिलेंगे जो भी रिलेटेड, जैसा भी जितना जल्दी हो सकता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्टार्ट बाय नेक्स्ट वीक तक हम कर जाएं, अगर हो सकता है तो विल बी वेल एंड गुड, बट होना जरूर है, ये तो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आस पास साफ सफाई रहिए, और हाँ अगर कुछ कर सकते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को बचाए रखिए, डिप्रेशन में ना आइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।